पीडीएम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। घबराना नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपोजिशन को मशवरा, तहरीके अदम एतमाद पर भी नो टेंशन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑल इज वेल का पैगाम। पाकिस्तान की सियासत में आजकल तहरीके अदम एतमाद की गूंज है। अपोजिशन को यकीन है कि वो मुत्तहिद होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनके ओहदे से हटाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली में नंबर्स देखें तो सिचुएशन कुछ यूं है। इस वक्त नेशनल असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन के कुल अराकीन की तादाद 162 है। यहीं हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अराकीन की तादाद 178 है। अब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसके हक में वोटों की तादाद 172 हो, लेकिन अपोजिशन इस बार खासी पुर एतमाद है। तो इस एतमाद के पीछे वजह क्या है, नंबर्स या कुछ और? हमारा पहला स्टॉप है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। तो लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि अभी आपने कहा कि उस वक्त आपने कहा कि वक्त नहीं है, अब ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि नाउ इज द टाइम? नवाज शरीफ भी पहले डिसएग्री करते थे, अब वो क्यों इस पर रजामंद है? प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है, और प्रेशर हम पे नहीं है, हुकूमत पे भी है और एस्टेब्लिशमेंट पे भी है। आज ये सारा मामला होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, और हमें महसूस हो रहा है कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत को सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, तो ये बुनियादी वजूहात है। तो आपके कुछ रابطے रवाबित हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी? नहीं, रابطے का मैं कोई अवेयर नहीं हूँ, ना ही रابطے की ज़रूरत है, क्योंकि हम कोई सपोर्ट तो चाहते नहीं है किसी से। हम तो चाहते हैं कि जो गैर आइनी मुदाखलत है वो ना हो और अवाम के नुमाइंदों को अपना फैसला करने का मौका दिया जाए। आपके साथ इत्तेहाद जो है अपोजिशन का पहले की तरह है कि बस टूट जाएगा? नहीं, अपोजिशन तो जो उनके 162 मेंबर्स हैं वो तो पूरे हैं, एक मेंबर जमात इस्लामी की हैं, अगर वो हुए तो 163 हो जाएंगे, उसके बाद 9 लोग चाहिए, तो एक बड़ी तादाद है पीटीआई के अपने एमएनएस की जो आना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं जमात को। अपोजिशन का मौकफ तो आपने जान दिया, लेकिन क्या हुकूमत को इस बार खदशा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और हुकूमत इसका नुकसान उठाएगी? अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन ये भी कह रही है कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर ये हटते हैं तो हम अपना प्राइम मिनिस्टर लेकर आए, हम ये कहते हैं कि आइंदा जो इंतखाबात हैं वो फौरी तौर पे किए जाएं। तो अगर इस सूरत में भी अब तब भी इसको सीरियस नहीं ले रहे, आपका ख्याल है कि जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, हुकूमत को तो छोड़ दीजिए, अपोजिशन के मेंबरान जो हैं वो फौरी इलेक्शन के लिए जाएंगे? और आपका क्या ख्याल है कि नून लीग के लोग जो हैं या पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो असम्बली से इस्तीफा, वो ये तो इस्तीफ़ों पर कायल नहीं कर सके लोगों को, आपका ख्याल है कि ये वोट देंगे कि असम्बली तोड़ दी जाए? कोई बंदा इस शर्त के ऊपर वोट नहीं देगा कि अदम एतमाद को कि आप हमसे वोट लें और अगले दिन हम मेंबर नहीं होंगे। अगला इलेक्शन तो जब आएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इस तमाम सूरत हाल में ओपोजिशन और हुकूमत कुछ भी कह लें, गेम तो इत्तेहादियों के हाथ में है, लेकिन इत्तेहादियों की जानिब से कुछ और इशारे मिले हैं। इमरान खान के इत्तेहादी नहीं है, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। तो आखिर इत्तेहादी पार्टीज का झुकाव किस तरफ है? महमल, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले हम ये एक छोटा सा क्लिप देख लें। तो जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है, हम इनके साथ खड़े हैं, हमारा वादा भी रियासत के साथ है, इमरान खान के साथ तो हमारा कोई वादा नहीं है। बहुत वाजे उन्होंने इशारा दिया है और ये इशारा उनका बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, और उन्होंने ये बात की है कि PMLQ एज एन इत्तेहादी जमात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ नहीं बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तहरीक अदम एतमाद अगर लाती है अपोजिशन तो वो क्या वो डिपेंड कर रहे हैं जो PTI के अलायंस हैं उन पे डिपेंड कर रहे हैं? ये आखिरी वक्त तक कहना इवन अपोजिशन के लिए या इवन हुकूमत के लिए भी मैं कहूंगी कि वो नामुमकिन होगा एन वक्त तक, क्योंकि नंबर्स की गेम है, इसके अंदर तो कभी भी कोई कहीं इधर उधर हो जाता है, कॉल्स आ जाती हैं, मजबूरियाँ हो जाती हैं। आपको मालूम है कि वो इस तरह की जो बातचीत है सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन जो है नंबर्स ज्यादा होने के बावजूद भी कामयाब नहीं होती तरीके अदम एतमाद में, तो फिर ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पर प्रिडिक्ट करना तो उसके लिए तो शायद नजूमी होना जो है वो ज्यादा वही कर सकते हैं इस तरह की। थैंक यू महमल। इन सब से बात करके ऐसा लगता है कि इस वक्त मुल्क में बहुत सी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल कुव्वतें एक्टिव हैं।
लेकिन एक बात वाजह है कि ये एक सादा नंबर गेम से बहुत आगे की बात है, और अगर ऐसी तहरीकों की रवायत देखी जाए तो ये कह सकते हैं कि मुकाबला इस बार भी खासा क्लोज होगा।